नमस्कार, राम राम। कैसे हैं किशन भाइयों? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किशन भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 29 सितंबर 2024, दिन हो चुका है आज रविवार का। जानेंगे आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के भाव क्या हैं, कितनी गाड़ियों की आवक पहुंची है, ग्राहकी आज कैसी क्या देखने को मिल रही है। कम्प्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और जो भी प्याज के अपडेट बताएंगे वो 40 किलो मन के हिसाब से प्याज के अपडेट बताएंगे। तो अपडेट को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। चलिए किसान भाइयों, जानेंगे आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के भाव क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात करेंगे आमदनी की। जैसा कि आज दिन है रविवार का, कोई भी आमदनी नहीं है और मंडी में अवकाश है और जो कल का बैलेंस बाकी है किसान भाइयों, आज उसी प्याज की बिक्री हो रही है, तो हल्की फुल्की बिक्री हो रही है। और किसान भाइयों, अगर हम स्टेट बाय स्टेट बात करें आज दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव क्या है, तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के प्याज की। तो राजस्थान के प्याज की पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में जो रही सुबह सुबह वो 1500 रुपए से लेकर 1650 रुपए प्रति मन के हिसाब से, यानी 35 रुपए से लेकर 36-37 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और जो बढ़िया सुपर क्वालिटी प्याज है उसकी जो आज बोली लगी है सुबह सुबह वो 39 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्याज की। तो मध्य प्रदेश के प्याज की पोजीशन आज सुबह सुबह जो रही है आज दिल्ली आजादपुर मंडी में वो 1600 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति मन के हिसाब से, यानी 35 रुपए से लेकर 37, 38 और 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिल्ली आजादपुर मंडी में आज मध्य प्रदेश के प्याज का भाव खुला। और किसान भाइयों इसके साथ साथ बात करेंगे नासिक के प्याज की। तो नासिक के प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में सुबह सुबह जो भाव रहा किसान भाइयों वो 1650 रुपए से लेकर 1750 रुपए प्रति मन के हिसाब से, यानी किलो के हिसाब से हम बात करें तो 36 रुपए से लेकर 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे जो नासिक के गोल्टा गोल्टी है, गोल्टा गोल्टी प्याज आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 35 रुपए से लेकर 37 रुपए प्रति किलो के बीच में। और इसके साथ साथ किसान भाइयों बात करेंगे पुणे के प्याज की। तो पुणे के प्याज की पोजीशन आज दिल्ली आजादपुर मंडी में टोटली जो रही है वो 35 रुपए से लेकर 42 रुपए प्रति किलो के बीच में दिल्ली आजादपुर मंडी में पुणे के प्याज की पोजीशन चलती नजर आ रही है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों बात कर लें अगर हम ग्राहकी की, तो जैसा कि आज दिन है रविवार का, छुट्टी का दिन है, मंडी में अवकाश भी है और ग्राहकी जो है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और किसान भाइयों प्याज का रेट जो अपनी जगह स्थिर बना हुआ है, इसका मेन कारण है जो गवर्नमेंट की गाड़ियां आ रही हैं नेफेड और एनसीसीएफ की, उसका कहीं ना कहीं जो है प्याज के भाव के ऊपर असर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमारे बहुत से किसान भाइयों ने हमारी बात का इग्नोर भी नहीं किया है, बहुत से किसान भाइयों ने बात भी मानी है और जो किसान भाइयों का प्याज और व्यापारियों भाई का प्याज पहुँच रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, बहुत ही कम गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, सिर्फ ज़्यादातर जो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं वो गवर्नमेंट की पहुँच रही हैं, तभी जो है आपके इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में बढ़ती जा रही है और प्याज के भाव अपनी जगह स्थिर बने हुए हैं। हाल किसान भाइयों जब सोमवार को मंडी खुलेगी देखते हैं प्याज के भाव में क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, प्याज में तेजी देखने को मिलेगी या मंदी देखने को मिलेगी, ये तो सोमवार को ही अपडेट में आप लोगों को बता पाऊंगा कि प्याज के भाव क्या कुछ रहने वाले हैं। आई होप किसान भाइयों आपको हमारी जानकारी और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, लाइक के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान मित्रों तक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्याज के भाव का पल पल अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।